चैप्टर थर्ड टॉपिक नाउ देयर, नया कोर्स का है आपका, पढ़ाई स्टार्ट हो गई है आपकी आज से 1 जुलाई से। थर्ड चैप्टर, नया चैप्टर ले रहे हैं हम, चैप्टर थर्ड क्लास 7 टॉपिक नाउन जेंडर। अब नाउन जेंडर के बारे में आपको बताएंगे। पेज नंबर 14 को ओपन कीजिए। अब 14 में क्या है देखो, द इंग्लिश लैंग्वेज है 4 जेंडर। अंग्रेजी भाषा में 4 प्रकार के जेंडर होते हैं, मतलब लिंग होते हैं। जेंडर देखो, जेंडर 4 टाइप्स। अब टाइप्स कौन कौन से हैं देखो, फर्स्ट टाइप है मैस्कुलिन, सेकंड टाइप फेमिनाइन, थर्ड टाइप कॉमन और फोर्थ टाइप न्यूट्रल। ये 4 प्रकार के हमारे जेंडर होते हैं, लिंग होते हैं। मैस्कुलिन पुल्लिंग, फेमिनाइन स्त्रीलिंग, कॉमन साधारण और न्यूट्रल बेजानदार। अब मैस्कुलिन में क्या दे रखा है, मैस्कुलिन रिफर टू मेल्स, ये किसके लिए आता है, मेल्स के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल इसमें दे रखा मैं, एक एग्जांपल शो करता है मैं को, एम ए एम, मतलब मैस्कुलिन रिफर्स, जो पुल्लिंग होता है वो प्रदर्शित करता है टू मेल्स, मेल्स को, जैसे कि मैन आदमी, मैन को किस में लेंगे, मैस्कुलिन में। अब आता है फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर रिफर टू फीमेल्स, ये फीमेल्स के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि वुमन, इसका एग्जांपल इसमें है वुमन, डब्ल्यू ओ एम ए वुमन। अगला है हमारा थर्ड वाला कॉमन, कॉमन जेंडर रेफर टू आइदर मेल्स और फीमेल, या तो मेल के लिए प्रयोग किया जाएगा या फीमेल के लिए, जैसे एग्जाम्पल्स में है स्टूडेंट, एस टी यू टी एन टी स्टूडेंट। अगला आता है नीटर जेंडर, मतलब नीटर रेफर टू ए नॉन लिविंग, इसमें क्या आता है, बेजानदार चीज आती है, डेड इज नाइदर मेल नॉर फीमेल, ना तो वो मेल होती है ना फीमेल होती है। जैसे एग्जांपल है कार, सी ए आर, ये हो गया हमारा जेंडर मैस्कुलिन, पुल्लिंग इसमें मेल एग्जांपल है, फेमिनाइन वुमन स्त्रीलिंग, कॉमन साधारण स्टूडेंट और न्यूट्रल का, नीटर का मतलब होता है बेजानदार, इसमें जान नहीं होती है, बेजानदार। अब नेक्स्ट देखो, माय सिस्टर मेरी बहन सौम्या एंड मिस्टर गोयल सन सुशील और श्रीमान गोयल का बेटा सुशील आर फ्रेंड्स, क्या है ये, दोस्त हैं, मित्र हैं। दे वेंट टू द सेम स्कूल, वे उसी स्कूल में पढ़ते हैं। इन द एबव सेंटेंसेस, ऊपर के वाक्यों में क्या समझा रहे हैं, द वर्ड सिस्टर, जो एक वर्ड दे रखा है, शब्द है हमारा सिस्टर का, टेल्स अस, हमको बताता है, डेट द पर्सन बीइंग स्पोकन ऑफ इज ए वुमन, जो पर्सन है बीइंग स्पोकन, जिसके लिए बोला गया, इज ऑफ इज ए वुमन, वो क्या हमारी वुमन। द वर्ड सन, दूसरा दे रखा है शब्द हमारा सन का, सन मीन्स बेटा, टेल्स अस, हमको बताता है, डेट द पर्सन बीइंग स्पोकन ऑफ इज ए मैन, बोला गया किसके लिए, मैन के लिए, आदमी के लिए। फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट वर्ड आया फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का मतलब दोस्त या मित्र। फ्रेंड्स टेल्स अस, दोस्त हमको बताते हैं, डेट द पर्सन, जो पर्सन होता है
being spoken of can be either male or female. या तो मेल हो सकता है या फीमेल. स्कूल टेल्स अस, स्कूल हमको बताता है, स्कूल हमको बताता है डेट द नाउन इज एन इनएनिमेट थिंग डेट इज नाइदर मेल नॉर फीमेल. ना तो वह मेल है स्कूल ना फीमेल है. दस बाई मियरली लुकिंग एट द बर्थ वी नो वेदर समवन इज ए मेल और फीमेल. कोई व्यक्ति मेल हो सकता है या फीमेल. सेकेंड पॉइंट, इट इज ए नॉन लिविंग थिंग. यह किसका वर्णन करता है? नॉन लिविंग थिंग का वर्णन करता है, मतलब बेजानदार चीज का वर्णन करता है. किसका करता है? बेजानदार चीज होती है उसका वर्णन किया जाता है. इट इज ए क्लास नेम. यह क्लास नेम होता है डेट कैन रेफर टू बोथ मेल एंड फीमेल. अब ये वाली हमारी एक्सरसाइज है, वो हम बाद बताएंगे, आइडेंटिफाई करना है. अब नीचे आइए. फेमिनाइन जेंडर कैन बी फॉर्म इन डिफरेंट वे. फेमिनाइन जेंडर होता है वो बनाया जाता है डिफरेंट वे, अलग अलग तरीकों से. कैसे? बाई एडिंग ई डबल एस टू मैस्कुलिन फॉर्म. ई डबल एस हम क्या जोड़ते हैं? ई डबल एस जोड़ते हैं. जैसे एक्टर ए सी टी ओ आर, इसका जब फेमिनाइन बनाएंगे एक्ट्रेस ए सी टी आर ई डबल एस. कहने का मतलब है बाई एडिंग ई डबल एस टू द मैस्कुलिन, मैस्कुलिन जेंडर में ई डबल एस जोड़ने पर वह जेंडर फेमिनाइन में चेंज हो जाता है, मतलब बदल जाता है. जैसे एक्टर एक्ट्रेस ए सी टी आर ई डबल एस, एक्ट्रेस में चेंज हो गया. एम्परर, अगला देखो, ई एम पी ई आर ओ आर, इसका बन जाएगा एम्प्रेस. ई एम पी आर ई डबल एस, ई एम पी आर ई डबल एस एम्प्रेस. ये रूल होता है हमारा, मतलब बाई एडिंग ई डबल एस जोड़ने पर टू द मैस्कुलिन फॉर्म, मैस्कुलिन फॉर्म में. जैसे एक्टर एक्ट्रेस, ड्यूक डचेस, एम्परर एम्प्रेस, गवर्नर गवर्नेस, हॉर्स हॉस्टेस, हंटर हंट्रेस, वेटर वेट्रेस, लॉइन लॉइनेस, टाइगर टाइग्रेस, मतलब ई डबल एस हमने ऐड कर दिया तो ये बन गया हमारा फेमिनाइन जेंडर. मतलब मैस्कुलिन जेंडर के अंत में ई डबल एस ऐड करने पर नया वर्ड हमारा फेमिनाइन जेंडर तैयार हो जाता है. नेक्स्ट आपको लाइव में बताएंगे.